कि केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी की व्यवस्था जम्मू कश्मीर के अंदर चलाए रखने की जरूरत पड़ेगी, लद्दाख में वो बनी रहेगी। अनुच्छेद 300 हटाने के साथ ही अभी कुछ कालखंड के लिए, और मैं बताता हूं कुछ कालखंड के लिए, जम्मू कश्मीर को सीधे केंद्र सरकार के शासन में रखने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। बीते कुछ महीनों में वहां गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट का और बेहतर प्रभाव जमीन पर दिखाई देने लगा है। जो योजनाएं पहले सिर्फ कागजों में रह गई थी, उन्हें अब जमीन पे उतारा जा रहा है। ईद का मुबारक त्योहार भी नजदीकी है। ईद के लिए मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि जम्मू कश्मीर में ईद मनाने में लोगों को कोई परेशानी ना हो। हमारे जो साथी जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं और ईद पर अपने घर वापस जाना चाहते हैं, उनको भी सरकार हर संभव मदद कर रही है।